हेलो एंड वेलकम टू कोर एकेडमी। माय नेम इज शिबा खान और मैं आपको क्लास 8 ज्योग्राफी का लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस एक्सप्लेन कर रही थी। इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डील करेंगे। इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर्स। Answer the following questions. And your first question is, which are the two main climatic factors responsible for soil formation? दो factors आपसे पूछे गए हैं जो soil formation के लिए important है. Okay? तो आइए देखते हैं इसके answers क्या होंगे. The two main climatic factors responsible for soil formation are as follows. First one is temperature and rainfall. Temperature fluctuation between hot and cold also forms cracks in soil, whereas rainfall contributes in breaking the rocks by applying pressure. Is that clear? Temperature क्या करते हैं? Temperature hot और cold weather आने पे help करते हैं soil को break down करने का, और वही rainfall क्या करते हैं? They helps by applying pressure on the rocks to break it down. Is that clear? Next question. Write any two reasons for land degradation today. Reasons for land degradation are as follows. Kuch reasons diye gaye hain, which are as follows. A. Ever-growing demand of growing population. B. Destruction of forest cover. टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है? एक तो पॉपुलेशन में बढ़ोतरी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एंड सेकेंड वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई इज लैंड कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस? ओके, तो इसका आंसर लिखेंगे कुछ इस तरह। लैंड इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस बिकॉज it provides surface for agriculture, living, industries, etc. Land आपके लिए रिसोर्स क्यों है ये पूछा गया है। तो भाई आप लैंड में ही तो अवेलेबल हो ना, आपका घर लैंड में है, आपकी इंडस्ट्रीज लैंड में है ना, तो लैंड इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब हम चैप्टर डिस्कस भी कर रहे थे तब आपको मैंने दो मेन गवर्नमेंट के स्टेप्स बताए थे, क्या? मेकिंग ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स व्हिच हैज टेकन बाय गवर्नमेंट, है ना। तो यहाँ पे उसी चीज को मेंशन करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, दीज वर सम स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। ये कुछ स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। Is that clear? Next, coming to question number 5, suggest 3 ways to conserve water. आपसे पूछा गया है कंजर्व करने के लिए वॉटर किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है, उसके तो काफी मेथड्स हैं, लेकिन हमको 3 मेथड्स बताने को बोला गया है। तो लेट्स स्टार्ट। 3 वेज टू कंजर्व वॉटर आर एज फॉलोज। फर्स्ट, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड टू कलेक्ट वॉटर वाइल इट रेन्स, ठीक है, इससे कलेक्शन होगी आपकी वॉटर की। ओके, द कैनाल्स यूज फॉर इरिगेशन शुड बी प्रॉपरली बिल्ट सो दैट लॉस ऑफ वॉटर शुड नॉट टेक प्लेस। वॉटर का लॉस ना हो इसलिए कैनाल्स को बहुत सही तरीके से बिल्ड करा जाए। ओके, नेक्स्ट, स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप इरिगेशन शैल बी यूज इन फार्मिंग। आपको बोला गया है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स को इंट्रोड्यूस करिए अपने फार्मिंग मेथड्स में। ये थे कुछ वेज टू कंजर्व वाटर। अगर आपसे 5 पूछा जाए तो हम याद करिए हमने डिस्कस किया था 5 वेज टू कंजर्व वाटर। हमने बहुत सारे डिस्कस किए थे, आप उनमें से कोई भी 5 या 6 लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट आंसर। तो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट,
Which one of the following is not a factor of soil formation? And your options are A. Time, B. Soil texture, C. Organic matter. तो आपसे पूछा गया है विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सॉइल टेक्सचर. ये सॉइल फॉर्मेशन में कहीं हेल्पफुल नहीं है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन अ स्टीप स्लोप्स. आपसे पूछा गया है स्टीप स्लोप्स में कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है स्टीप क्रॉपिंग के लिए, मींस ढलान वाली क्रॉपिंग के लिए. तो बेस्ट है टेरेस फार्मिंग. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. इन ऑप्शंस में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर में हेल्पफुल नहीं है. ठीक है, वो देखते हैं. फर्स्ट, स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, इज इट, ये हेल्पफुल है टू कंजर्व द नेचर. क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूज, हाँ ये भी, क्योंकि वॉटर वेस्ट नहीं करना है हमको. थर्ड, डिस्पोज पॉलीपैक आफ्टर शॉपिंग, नहीं ये तो गलत है, ये नेचर को डिस्ट्रॉय करेगा. तो करेक्ट आंसर इज डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव to the next question. Match the following. मैंने यहाँ पे question लिखे हैं और directly इसके answer के option लिखते हैं. Is that clear? तो options मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी. First, land use का correct option होगा option number C, and option number C is productive use of land. Second, humus का है option number D, which is organic matter deposited on topsoil. ठीक है, humus क्या है? ऐसा organic matter जो topsoil में available हो. ठीक? Question number 3. Rock dams. इसका answer होगा option number A. और option number A है prevent soil erosion. Rock dams किस लिए useful है? To prevent soil erosion. ठीक है? Arable land, fourth one is arable land, और इसका option है option number B. और option number B में है narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere and atmosphere. ये है कुछ इसके options. Is that clear? अब चलते हैं question number 4 की तरफ, जो कि true and false बताएगा. तो आपको बताना है true और false. First question है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन. ट्रू और फॉल्स? यस ट्रू, क्योंकि आपको बोला गया है कि रिवर का बेसिन वहां पे पॉपुलेशन होगा. पॉपुलेशन होगी तभी तो वहां पे एग्रीकल्चर फैसिलिटीज होगी, है ना? तो इसका आंसर होगा ट्रू. सेकेंड, वॉटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग. हाँ ये भी ट्रू है, क्योंकि पर पर्सन जो वॉटर का यूज है वो एक तरह से कम ही होते जा रहा है. ओके, थर्ड, रो ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरिया टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग. उसे इंटरक्रॉपिंग नहीं कहेंगे. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम. नहीं, ह्यूमन इंटरफेरेंस और क्लाइमेट किस तरह से इकोसिस्टम को चेंज करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा. इस तरह से हमने इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया. इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. टिल देन थैंक यू.